हेलो एवरीवन वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आए और नया व्लॉग सो एक्सवी की पूरी सीरीज चल रही है बहुत सारे लोगों ने कहा क्या वो सीरीज खत्म हो गई नहीं वो खत्म नहीं हुई मगर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि एक पूरी की पूरी ना सीरीज मतलब एक आप समझ रहे हो ना स्टेप्स फॉर एग्जाम्पल जब तक मेरे पास में ऑल व्हील ड्राइव नहीं आती तब तक मैं ऑल व्हील ड्राइव पे कैसे बना सकता हूँ वीडियो सो एम सीरीज पूरी की पूरी बच रही है जिसके ऊपर व्लॉग आएंगे ए एक्स थ्री बच रही है क्योंकि मेरे आउटलेट में अभी तक ए एक्स थ्री नहीं आई है उसके ऊपर बच रहा है ए एक्स फाइव में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिनके ऊपर मैंने अभी तक व्लॉग नहीं बनाया मगर होता क्या है गाड़ी मेरे पास में आती है मैं उस पर जल्दी से कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ तब तक कस्टमर को गाड़ी डिलीवर करनी होती है सो so, सॉरी अगर इसमें सारी चीजों में लेट हो रहा हो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको लगातार व्लॉग मिलते रहे मगर आप समझते हो ना जॉब करो यहाँ से लेट घर जाओ घर जाने के बाद में एडिट करो जरूरी नहीं है एक बार में पूरा ब्लॉग एडिट हो जाए यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग सो हेटर्स व्लॉग आएंगे बहुत सारे आएंगे और जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं प्यार दे रहे हैं मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कोई इरिटेट नहीं हो रहा मैं हाँ हो सकता है कि आप लोगों के जो मैसेजेस हैं उनके मैं पूरी तरह रिप्लाई नहीं कर पाता आप समझिए लिखते लिखते मेरी उंगलियां दर्द होने लग जाती मुझे आदत नहीं इन सारी चीज़ों की बट आई एम ट्राइंग कि एक्स यू वी सवन डबल ओ के हर एक कस्टमर को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले तो व्लॉग को शुरू करते हैं आज वाला व्लॉग है नेविगेशन के ऊपर सो नेविगेशन जो है बहुत बड़ा पार्ट है एक्स यू सेवन डबल ओ का कैसे काम करता है सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं दोनों स्क्रीन में नेविगेशन कैसे चलता है हम इसके ऊपर बात करते हैं और ब्लॉग को बनाते हैं कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके से हम काम कर सकते हैं तो व्लॉग को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सात आठ हज़ार मेरे सब्सक्राइबर हुए मुझे और चाहिए बहुत सारे सो so, जल्दी से सब्सक्राइबर वाले बटन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन करिए तो so, आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं सो so, गई पहला काम हम क्या करते हैं कि ये वाले जो स्क्रीन है इसके अंदर हम नेविगेशन ऑन करते हैं तो मैं यहाँ पर इसको मैंने प्रेस करा प्रेस करने के बाद में मैं गया नेविगेशन के ऊपर और ये मैंने क्या करा मैंने नेविगेशन को यहाँ से आ गया आ गया मैंने मैंने इसको प्रेस करा प्रेस करते ही मेरे पास में नेविगेशन खुल गया अब मैं क्या करता हूँ मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ इस वाले बटन को और ये मेरी पूरी स्क्रीन पे नेविगेशन आ गया राइट दिख रहा है आपको अब दूसरा काम क्या करना है मुझे ये वाली जो स्क्रीन है इसके ऊपर नेविगेशन स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूंगा मैं पहले होम पर जाऊंगा होम पर गया फन इन एक्स यू सेवन डबल ओपन करा अब इधर से मैंने स्क्रॉल करा मैं नेविगेशन पे आ गया तो पार्ट क्लियर अब इसमें जितनी भी चीजें हैं हम उनके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली स्क्रीन मेरी यहां पर भी आ गई और यहां पर भी आ गई अब मैं क्या करता हूं मैं बेसिकली सारी की सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले इधर की तरफ तो ये जो टैप है आप इसको दबाते हैं और आप चाहें तो ये आपको कंपस दिखा रहा होता है सेम टाइम पे आपकी जो पोजीशन है उसको यहां से बता रहा है कि जीपीएस डेटा क्या पोजीशन है एक्यूरेसी और एल्टीट्यूड तो आप समझ रहे हो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा पार्ट है जैसा हमारे बड़े वाले जो जी पी आते हैं ना हाई एवरी वन सो बड़े वाले जो जी पी आते हैं ना उसके अंदर इस तरीके से आता है कि आप लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड जो होता है वो उसमें डाल सकते हैं मैंने कभी काम में नहीं लिया और ये आ गया आपका कंपास इधर की तरफ अब आप दूसरा काम क्या कर सकते हो वापस इसको टैप करो और आपका नॉर्मल नेविगेशन बन गया पहली चीज़ क्लियर दूसरी चीज़ कोने पर ये वाला तो आप क्या कर सकते हो एक तो इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो आपको जितना जूम इन करना है आप कर सकते हो जूम आउट भी कर सकते हो और बहुत बड़े लेवल पर जूम आउट कर सकते हो तो आप समझ रहे हो ये बेसिकली प्री डिफाइंड मैप है जो कि महिंद्रा का है तो इसके अंदर गूगल मैप का कोई रिलेशन नहीं है ये महिंद्रा का पर्सनली प्री डिफाइंड मैप है जिसको आप एक्सेस कर रहे हो इसको आपने वहां पर टैप करा और जैसे वो आता था, था ना सेंटर वाला रीसेंटर uh, करके जो उस तरीके से आप काम में लेते हो राइट अब यहां पर जब आप टैप करते हो तो आपके पास बाकी चीज़ें आ गई क्या क्या आया इधर की तरफ आया कि ये जो पॉइंट है अगर आप इसने इस पर टैप करा तो आप इसके अंदर रिपोर्ट ए ट्रैफिक प्रॉब्लम योर रिपोर्ट विल बी हेल्प अदर्स टू रिएक्ट टू देयर डेस्टिनेशन सेफली रिमोट रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बेसिकली ना हाँ एक और चीज़ मैं बताऊँ अगर कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत गलत हो जाए तो उसके ऊपर ना बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है आई एम नॉट परफेक्ट और गलतियाँ हो जाती है मुझसे भी हो जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे करने लग जाते हैं ना आप कैसे बोल रहे हो क्या बोल रहे हो ट्राइंग कि मैं आप सब लोगों की हेल्प कर सकूं। तो so बेसिकली ये वाली जो जगह दिख रही है इसके अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हो यहां से मैं बैक आ गया ये भी चीज क्लियर हो गई अब इसके बाद में मैं आया डेस्टिनेशन पे तो डेस्टिनेशन पे मैं गया अब एक तो मैं यहां पे सर्च कर सकता हूं डेस्टिनेशन कुछ भी फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च करा एयरपोर्ट ठीक है अब एयरपोर्ट सर्च करने पर यहां मेरे पास ऑप्शंस आ गए क्या आपको जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्च करना है क्या करना है पहली चीज़ क्लियर फिर यहां से आ गया मैं बैक फिर से आया हूँ इधर डेस्टिनेशन पे फिर आप नियर बाय में सर्च कर सकते हो कि नियर बाय में आपके पास क्या क्या जगह आपको क्या देखना है अगर पेट्रोल पंप देखना है तो आप इस पर क्लिक करोगे राइट बैक आ गए फिर वापस आप गए फिर दूसरी चीज़ अगर आपको देखना है रेस्टोर खाने पीने के लिए तो आप यहां पर देख सकते हो इसको आप स्क्रॉल करके जगह भी देख सकते हो जो भी आपको देखनी है राइट मैं बैक आ गया इधर की तरफ बैक का बटन है उस पर डेस्टिनेशन पे मैं गया फिर उसके अलावा आपके पास बहुत सारी है कि आप कौन सी होटल जो लोकेशंस हैं उनको चुनते हो उस हिसाब से माय प्लेस माय रूट्स महिंद्रा रिसेंट डेस्टिनेशंस पीयूसी सेंटर्स इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो कि आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ रही होती है राइट तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम देख सकते हैं पार्किंग गैस स्टेशन बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बेसिक लाइफ में यूज आती है मैं आ गया बैक यहाँ से दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से जाता हूँ सेटिंग पे ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सेटिंग पे जब मैं जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तो ऑप्टिमाइज रूट्स बेस्ड ऑन लाइव ट्रैफिक आप इसको ऑफ भी कर सकते हो आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो राइट फिर अवॉइड ऑन रूट क्या क्या चीजें ऐसी है जो आप अवॉइड करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल हाईवे में अवॉइड नहीं करना चाहता अनपेव्ड रोड्स अवॉइड कर सकता हूँ हो सकता है यहाँ से मैं टोल रोड्स भी अवॉइड करना चाहूँ तो जैसे हम मेरे गूगल मैप में आता है ना उसी तरीके से ये सारी चीज़ों के ऑप्शन दिखा रहा था आपको ठीक है इसको भी मैं बंद कर देता हूँ मेरे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फिर ट्रिप टाइप कौन सी है तो आपकी पर्सनल है या बिजनेस है इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हो आई डोंट नो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पर्सनल और बिजनेस ट्रिप के अंदर किस चीज़ का मतलब डिफरेंट हो सकता है अगर किसी को पता हो तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि पर्सनल होगा तो आप होता है ना घूमते फिरते जा सकते हो या बिजनेस है तो आपकी प्रायोरिटी चेंज आप ए टू बी ही जाना चाहोगे वैसा कुछ होगा गेस फिर ड्राइवर असिस्टेंस आप क्या चाहते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें आप इसमें स्पीड लिमिट किस तरीके से देखना चाह रहे हो फिर सेफ्टी कैमरास सेम टाइम पर जो बाकी जितने हैं साइन वो सारी जो चीजें वो सारे आपको जो भी देखना है उसमें आपको जो असिस्टेंस चाहिए मैं इसमें ऑन ही रख रहा हूं सारी की सारी मैं क्या करता हूँ इसमें डोंट शो के अंदर ऑलवेज शो तो स्पीड लिमिट ऑलवेज शो सेफ्टी कैमरा शो पी ओ आई अलोंग द रूट शो ट्रैफिक सिग्नल्स शो गाइडेंस साइन पोस्ट और जंक्शन व्यू ये सारा मुझे देखना है फिर आए हम नीचे मैप डिस्प्ले में मैप डिस्प्ले में आप जा रहे हो तो इसमें लिख रखा है डे मोड मैं चाह रहा हूँ ऑटोमेटिक हो सकता है ना नाइट मोड में इसका कुछ चेंज हो जाए जो कहते हैं ना लाइट में बाकी चीज़ों के अंदर फिर वॉइस वॉइस के अंदर इसमें क्या है कि आपको ब्रिटिश इंग्लिश देखनी है या जया की हिंदी सुननी है किस हिसाब से तो ठीक है ये बैठनी वाला पार्ट भी अच्छा है बाकी किसी को हिंदी चाहिए तो आप नेविगेशन में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो और उसके बाद में जब मैं नीचे गया तो यहाँ लैंग्वेज है तो आप ब्रिटिश यूके अकेला इसमें ऑप्शन है जो कि आप काम में ले सकते हो फिर आगे हम नीचे मैप डेटा मैप डेटा में आप जा रहे हो तो इसमें आपको बता रहा है कि जितने बेसिकली सारे स्टेट्स हैं ना जो इंडिया की उन सब के इसके अंदर मैप्स इसमें दे रखे हैं नीचे रीसेट और अबाउट तो रीसेट मुझे करना नहीं है अबाउट में जाके मैं देख लेता हूँ मैप का वर्जन कौन सा है और ऐप का वर्जन कौन सा है तो ये सारी चीज़ें जहाँ तक है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि महिंद्रा में आने वाले टाइम और अपडेट होगी तो गाइज एक तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि एंड्रॉयड ऑटो एपर कार्प ले की जगह हमारे में कमिंग सून लिखा आ रहा है वो कब काम करेगा क्या फैसिलिटी मुझको मिलेगी मिलेगी आप सबको मिलेगी जैसे ही जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस पूरा होगा एक एक करके गाड़ियों के अंदर अपडेट आने लग जाएंगे सो so डोंट वरी सबको चीजें मिलेगी पर धीरे धीरे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास लिमिटेड है और भारत की जनसंख्या बहुत सारी है अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर जो मैप है उसमें एक डेस्टिनेशन डालता हूं कोई से भी फॉर एग्जाम्पल भास्कर मार्ग बनी पार्क तो मैंने इसको क्या करता हूं मैं डालता हूं और यहां से जैसे मैं स्टार्ट करूंगा वैसे ही ये नेविगेशन स्टार्ट कर देगा फाइन अब एक तो मुझे नेविगेट कर रहा है मैं ऐसे करके देख सकता हूं ठीक है दूसरी चीज ये नेविगेशन मुझको यहां पे भी दिखा रहा है तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो मैं यहां पर देख सकता हूं अब गाइज होता क्या है जब आप एंड्रॉइड ऑटो काम में लेंगे एप्पल कार पर लेंगे तो होगा क्या यहां आपको मैप दिखाएगा और यहां डायरेक्शन दिखाएगा इस तरीके की स्क्रीन नहीं आएगी आप मेरे पहले वाले व्लॉग देखना आपको चीजें समझ में आ जाएगी यहाँ से मैं इसको बंद कर सकता हूँ यहाँ से मैं दूसरी चीज़ जो कि कंपस था वो चालू कर सकता हूँ ये हमारे पास में फिर से वही ऑप्शन आ गया कि अगर कहीं पर भी आपको कोई ट्रैफिक मिलता है आप रिपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो और यहाँ से अ वॉइस अब यहाँ से मैंने वॉइस ऑन कर दी और यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ तो बेसिकली बाकी सारे साइन दिखा रहा है मेरे को कि टोंक रोड पे 250 मीटर मुझे ऐसे जाना है इतने मिनट में आप पहुँच जाओगे टोटल मिलाकर आपका जो डिस्टेंस है वो सेवनटीन किलोमीटर का है तो इस तरीके से आई होप ये सारी की सारी चीजों से आपका नेविगेशन वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया हो हो सकता है आपके वेरियंट चेंज हो जाए मगर उसके अंदर नेविगेशन इसी तरीके से एम एक्स में नेविगेशन कैसे आएगा वो मैं आने वाले टाइम आपको बताऊंगा सो so, ब्लॉक को यहीं खत्म करते हैं और धीरे धीरे सही मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके जितने भी टॉपिक अभी तो बहुत सारे टॉपिक बच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अभी एक मेमोरी कार्ड लगाने वाला टॉपिक बताना है कि आप मेमोरी को एक्सटेंड कैसे करने हो एक मुझे बताना है गाड़ी की नीचे की तरफ से लुक कैसा क्या है और बाकी जो बहुत सारे टॉपिक आप मुझे बता रहे हैं ना मैं पेपर पर पे नोट डाउन कर रहा हूँ पर धीरे धीरे अभी गाड़ी बहुत सारे लोगों को आने में टाइम लगेगा और ये जो वीडियो बन रहा है ये बहुत सालों तक आप लोगों के काम आएगा तो प्लीज़ आप एक व्लॉग देख के ख़त्म ना करें अगर आप गाड़ी ओन करते हैं तो आपको सारे व्लॉग देखने चाहिए और एक एक करके देखें उस चीज़ को बाद में यूज़ करें और उसके बाद में अगला व्लॉग देखें तो होगा क्या उससे उन चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्लीज़ इन चीज़ों को काम में लें ताकि आपको वो एक्सपीरियंस समझ में आए यू नो आपके पास में चीज़ है पर आप उन फीचर्स को मालूम ही नहीं है तो आप कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर और हाँ चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना किसी भी हालत में हो ही जाना चाहिए थैंक यू सो मच चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में